ये वो साइट है जिसको हम विजिट करने आ रहे थे। वैसे आज माल भी तो मेरे को ड्राई दिए यहाँ पे ला के। मैं कहता हूँ इससे अच्छा कि बंदा किसी गांव में जाके, किसी कस्बे में, छोटे से घर में रह ले, वो बेहतर है। क्योंकि इधर फ्लोर में अगर इंसान को 5वें फ्लोर पे इमरजेंसी होगी और लिफ्ट की बिजली चली गई तो फिर बंदा रास्ते में फोत हो जाएगा। या तो मेरे को बाहर को ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे कि मैं किसी और मुल्क में आ गया। वैसे इस टावर को देखें, मैं कहता हूँ इसको देख के तो मुझे हाइट फोबिया हो रहा है। वैसे माज भाई यहाँ मुझे ऊपर काम करने के क्या हालात होंगे। ये लगे ज्यादा करीब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? प्रियत से कुन्ना, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई यासीन खाटक। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल खाटक बैठक। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आप सब खाओ फिर चाहिए होगी चल चल मारे। आज फिर काफी दिनों बाद अपना प्लान बन गया अचानक ऑफिस जाने का। पैसा ही पैसा हो गया यहाँ पे देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सही मजे का शानदार वाला मौसम हो गया। पर ये कि मैं अपने ऑफिस नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ माज भाई के ऑफिस में। मेरी टीम सारे दे हो गए लफू चक्कर तो मैं कोई नहीं। खैर है चलते माज भाई के ऑफिस में। वर्किंग शेकिंग तो करनी है ना, गाड़ी तो नहीं बैठ सकते, पर कोई नहीं। खैर लाख लाख फिक्र है। अल्लाह तआला ने एक और दिन दिया जीने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए और दुनिया के काम करने के लिए। सुबह सुबह मारा कर्म गर्म नाश्ते नाश्ते के बाद पहुँच जाती दुकान पर। दुकान पर पहुँचते साथ मारा अब्दू जी को थोड़ा सा टाइम दिया, मारी जल्दी जल्दी सफाई और साथ ही आगे मास भाई। मैंने माज भाई को चलो निकलते हैं ऑफिस के, तो मैं और माज भी निकल पड़े ऑफिस के लिए। तो चलिए अब दिखाते हैं गप शप रास्ते में और शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अल्लाह पाक पाक बबरकत नाम और दूसरी भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकलते हैं ऑफिस की तरफ, बारिश आ रही है। इससे पहले कि बारिश आ जाए, गीले हो जाए, काम हो जाए, बेड़ा घर तो लगाएंगे। कब से ऑफिस पहुंच गए भाई, मजा आया। लेकिन मैं निकला माज भाई का हाया भूसा और निकल पड़ सीधा ऑफिस की तरफ, क्योंकि माज भाई कहते हैं ऐसे में आज आपका बाइक नहीं बल्कि मेरा बाइक लेके जाएंगे। वैसे मौसम जितना प्यारा है तो दिल दो कर कि ऑफिस ना ही जाए बंदा बाइक लेके फिरता रहे। पर मेरी किस्मत फिर एक दफा सिग्नल बंद आ गया। सिग्नल बंद को क्रॉस करते मैंने अपना हाया भूसा कर दिया और तेज और निकल पड़ सीधा ऑफिस की तरफ, क्योंकि मौसम इतना मजे का, दिल दो कर कहीं और ही निकल जाऊँ, ऑफिस ना जाऊँ। पर काम तो करना है, कौन सा लैंड लॉर्ड है, कोई नहीं। खैर माज भाई हम करेंगे अपने काम काज, लोगों को फिरने दो, हमने करते सीधे अपने ऑफिस की तरफ। चलो चलते ऑफिस लगाएंगे गपशप। ऑफिस पहुंच के फाइनली सख्त मिट्टी मिट्टी होकर मैं और माधवी पहुंच गए अपने ऑफिस। वैसे तो रास्ते में मिट्टी इतनी ज्यादा थी कि मैंने आधे रास्ते में मजबूर होकर हेलमेट पहने। तो वैसे हेलमेट तो मुझे चुभता है, मैं पहनता नहीं हूँ। तो आज शदीद जितनी मिट्टी थी जैसे हालत होगी तो मैंने फिर मजबूरन हेलमेट पहन ही लिया। तो वैसे माधवी तो कहते कि ग्लव्स भी पहन लो, मैं ग्लव पहन ले तो फिर व्लॉग नहीं बनाने होगा। मैं छोड़ो मरा, इतनी कुर्बानी देते हैं व्यूअर्स के लिए। तो साथ पहुंच गया अपने ऑफिस माज भी और ये बैठे हमारे आज उस्मान भी। चलो उस्मान भाई से भी गपशप करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। उस्मान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? आज इधर हमारे पास कैसे आ गए आप? अच्छा बिस्मिल्लाह। सुनाए काम शाम कैसे चल रहे हैं आपका? आप बेसिकली वेस्टेज से ही हैं? मतलब कि लिविंग करंट वेस्टेज में ही ना? रेंज रोड पे, रेंज रोड पे तो मेरे कज़न की शॉप भी है। जी बिल्कुल है, खटक डिस्काउंट स्टोर के नाम से। मेरा घर और आपके कज़न की शॉप सामने सामने होता है। जात भाई है, बड़ा भाई है किस्म का मेरा। तो इन दिनों तो बाहर नहीं जा रहे आप? नहीं इन दिनों ठंड तो माज भी तो एबटाबाद की शौकीन है, इनको इनको कैसे ले आए आप एबटाबाद? ये तो पूरे 4 साल रह के आए एबटाबाद में, बड़ी मुश्किल से हम लाते थे। उन्होंने तो हेडफोन लगा लिए कि सुन ही ना कुछ। इंशाल्लाह। वैसे मैं रिसेंटली बाइक पे गिलगित से होके आया हूँ,
बाइक पे गिलगित से अंजलि। अरे फट गई है उसकी। नहीं नहीं, मैं तो पूरा 8-10 दिन का मेरा टूर था, जिसमें गिलगित, हुंजा, नलतर, ये पूरे एरिया, जितने नॉर्दर्न एरिया सारा विजिट करके आया हूँ। जून जुलाई में प्लान करें? जून जुलाई में फिर गर्मी बहुत हो जाती है, गिलगित में सिटी में गर्मी है ना, नरान में 2019 में बाइक पे गया था लॉकडाउन में। नहीं नहीं रुको, जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। बाइक की क्या ऑप्शन है मेरे पास? खतरे से भाई तो क्या बाइक इतनी कंफर्टेबल सवारी है, क्या हो गया है? नहीं नहीं ये रास्ते यही बाइक के लिए, और कोई सोर्स है? आपकी हाइट अच्छी है, आप पाँव लगाएंगे तो बाइक नीचे से निकल जाएगा। खत्म। मेरे साथ ऐसा हो गया 2-3 दफा। मैं आपको मैं अपने दोस्त के साथ बैठा, वो इशारे पे हम लोग खड़े हुए, तो मैंने कहा यार टांगे जरा सीधी कर लूं, मैं सीधा खड़ा हो, इशारा खुला, वो बाइक ही इसलिए मैं वो कह रहा हूँ नॉर्थन एरिया आपके लिए फिट है, बाइक स्लिप हुआ जगह पे खड़े हो जाए, बाइक निकल जाएगा, बाइक को जाने दे। वैसे उस्मान जी का प्लान तो सही है कि उनको लेके जाते हैं सब अपने साथ नॉर्थन एरिया पे, वैसे मेरे से एक ही जगह रहेगी बाइक पे, वो मैं सकरदू जाने, तो उस्मान को सब सकरदू लेके जाएंगे। और ये कह रहे हैं इनका क्या है, इनका ऑप्शन सही है कि जहाँ भी कोई खतरा फील होगा तो ये फोरन बाइक से होता जाएगा, बाइक नीचे से निकल जाएगा। तो चलो थोड़ा उस्मान जी को टाइम देते हैं, साथ हमारी आ गई है चाय, और मुझे अपने छोटे 14 प्रो मैक्स पे कॉल भी आ रही है, तो चलो कॉल सुनते चाय पी के फिर गपशप लगाएंगे साथ साथ। ऑफिस के तो काम शाम होते रहेंगे, मैं कहा चलो पढ़ते हैं नमाज, नमाज पढ़ने के लिए मैंने कल पर अपने ऑफिस से सीधे मस्जिद की तरफ नमाज भी नहीं, तो मैं पहुंच गई DHA की बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत मस्जिद में, चलो पहले पढ़ते नमाज तो बाकी का शाम लगाएंगे नमाज के बाद, चलो अभी नमाज को छोटा है, मस्जिद में ज़्यादा वीडियो बनाना मुनासिब नहीं है। नमाज तो पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तक लाख लाख शुक्र अल्लाह करने इस काबिल समझा कि हमें भी मस्जिद में अपने पास बुला दिया। चलो अब चलते नमाज भी की तरफ, क्योंकि नमाज भी पढ़ो तो हमने एक साइड पर जाने, नमाज के बाद फ़ौरन मैं और नमाज भी निकल पड़े DHA की तरफ, क्योंकि हमें एक साइड पर जाने, एक फ्लैट पर सीखना, ये देखिए ऐसा लगता है कि DHA नहीं जैसे मैं यूरोप आ गया, इतनी मज़े की लुक है इसी। अच्छा नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही मैं और नमाज भी निकले, तो मेरे को बाहर को ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे कि मैं किसी और मुल्क में आ गया, वैसे टावर को देखें, मैं कहता हूँ इसको देख के तो मुझे हाइट फोबिया हो रहा है वैसे। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। माज भाई यहाँ मुझे ऊपर काम करने क्या हालात होंगे? वैसे टावर की हाइट देखें तो मैं कहता हूँ कि मेरी तो गर्दन ऊपर हो गई है, पता नहीं जो लोग रहेंगे वो इसमें कैसे रहेंगे। मैं कहता हूँ सख्त पागल है जी जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी, वैसे हम भी तो इसको बेचने आ रहे हैं, जा रहे हैं एक विजिट पे, पर यह कि जो इसकी हाइट्स है मुझे लग नहीं रही है पाकिस्तान के टावर या कोई पाकिस्तानी बंदा बना रहा है। इसकी टावर की हाइट देखो, इसकी स्ट्रेंथ देखो, और या अल्लाह रह भी करे कि जो बंदा इसमें रहेगा ना, तो मैं कहता हूँ उसको वैसे ही अल्लाह ज़्यादा इससे ज़्यादा याद आ रहा होगा, क्योंकि जितनी इसकी हाइट है तो मैं कहता अल्लाह के कुछ ज़्यादा ही करीब होगा। चलो जल्दी से आगे अपने फ्लोर्स पर वैसे देख के तो मैं कहता हूँ कि रब भी रहे सब के हालों पर कि ये लोग इसमें रहेंगे कैसे, ये कौन से बेवकूफ़ के बच्चे हैं जो इतने ऊँचे टावर पर इन्वेस्टमेंट करें। ये भाई दुबई नहीं, ये पाकिस्तान है, थोड़ा सा ख्याल करो, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए। तो चलो हम इधर आगे चलते हैं, अपनी साइड में टफिल लगाएंगे अपनी कक्षा पर। बड़ा हरामी हो बेटा। ये वो साइट है जिसको हम विजिट करने आ रहे थे, वैसे आज माल भी तो मेरे को ड्राई दिए यहाँ पे ला के, मैं कहता हूँ इससे अच्छा कि बंदा किसी गांव में जाके किसी कस्बे में छोटे से घर में रह ले वो बेहतर है, क्योंकि इधर फ्लोर में अगर इंसान को 5वें फ्लोर पर इमरजेंसी होगी और लिफ्ट की बिजली चली गई तो फिर बंदा रास्ते में फोत हो जाएगी। नहीं तो अगर उसको डेड बॉडी को नीचे लाना हो तो बजाय उसको लिफ्ट लाने के लिए मैं कहता हूँ शॉर्टकट को नीचे फेंक देना, क्योंकि जितनी इसकी हाइट है इसके मुताबिक बंदा ही फोत हो जाएगा नीचे आते आते। तो कोई नहीं, खैर है अभी चलते जाएगी अपने बाकी विजिट की तरफ, क्योंकि छोटा सा विजिट हमने करना था, पर इसकी वालत देख के तो मेरे खुद को तरस आ गया अपनी लाइफ पे और इन लोगों पर तरस आ रहा है कि जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, वैसे ही सख्त वाले बेवकूफ़ हैं।
जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हो, माज भाई कहीं फिर चले गए कोई चाचा चाचा के पास हाजिर शाजिर लगाने के लिए, तो चलो अभी चलते हैं जरा अपने ऑफिस की तरफ, बाकी गपशप लगाएंगे ऑफिस में जाके, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को खौफ सा आ रहा है कि इसके इस टावर को देखे हाइट के लिए मुझे फुल गर्दन मोड़नी पड़ती है, फुल मुझे मोबाइल मोड़ना पड़ता है तभी फाइट तक पहुँचे। ये कुछ इसकी बेसमेंट है, यानी कि अच्छी बड़ी हाइटेड बिल्डिंग, और यानी कि अल्लाह ही रहम फरमाए इसको देख कर। चलो चलते हैं अपने ऑफिस, बाकी गपशप लगाएंगे अपने ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पे रहना मुझे खतरे से बाहर ही लग रहा है। परेशान है, और मैं भी हो गया अच्छे बजे लेट, वैसे तो मगरिब का टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मगरिब की नमाज भी पढ़ ली, टाइम हो गया 6 से टाइम ऊपर हो गया, इतना मैं कभी लेट नहीं हुआ। आज मैं वो होगी क्योंकि मगरब है सदी से, जल्दी मगरब भी हो जाती है और बाहर ठंड भी अच्छी बड़ी है, लेकिन सुबह तो धुंध भी थी, मिट्टी भी थी, धुंध भी थी, और अभी तो धुंध होगी और रश भी अच्छे बला वाला होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की वर्किंग हमारी होगी क्लोज, अभी निकलते हैं घर की तरफ, बाकी गप शप लगाएंगे ऑन द वे और दुकान पर पहुँच के। और साथ ही माज भाई हो गए गायब, वो सामने खड़े हुए, माज भाई हमारे दूसरे मतलब करीबी है, इनके ऑफिस में है, और अभी वहाँ से मिलते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं, इस्लाम दुआ करते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, बाकी गपशप लगाएंगे रास्ते में क्योंकि रश होगा अच्छा भला, और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि शाम को कितना रश होता है और मुझे कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में। तो चलो अभी के लिए निकलते हैं घर, अभी के लिए बाय बाय टाटा। सारा दिन दुकान से बाहर रहने के बाद आखिरकार मैं दुकान में पहुंच गया, दुकान में पहुंचते मुझे हो गई इशा का टाइम, यानी कि वापस वापसी पे जैसे होता है, और आपने देख लिया अच्छे भले वाले रास्ता पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया। वैसे ठंड तो अच्छी बड़ी थी, अल्लाह का शुक्र है कि एट द एंड मैं पहुंच गया दुकान में पहुंचे। साथ ही देखा अब्बू जी जा चुके थे घर और छोटे भाई पे लगे हुए अच्छे भले वाला रास्ते में, चलो जल्दी जल्दी कस्टमर मुकाते हैं फिर लगाएंगे अपने व्यूअर से गप, और उसके साथ करते हैं अपना व्लॉग एंड, बाकी गप शप लगाएंगे अपने व्लॉग में। अभी हो रहा है इशा की नमाज का टाइम, पढ़ते नमाज और साथ हो रही चाय की तलब, नमाज में भी कह रहे पहले चाय पीते हैं फिर पढ़ेंगे इशा की नमाज, और लगाएंगे अपनी गपशप अगले व्लॉग में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।